गाइस मैं अपने चैनल पर आपके साथ बहुत कुछ है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, मिनी मिनी परचेजेस जो मैं करूँ वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप सबके साथ उसको शेयर करती हूँ, मतलब बड़ा मज़ा आता है ना, हम कुछ भी खरीद के आते हैं तो मन करता है यार शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स तो आप हैं ही, और मुझे ये लगता है कि इसको देखकर आपका भी फ़ायदा हो आप, क्योंकि मुझे जो परचेजेस लगती हैं यार बहुत रीज़नेबल है, बहुत बढ़िया है, सो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करूँ, आपको भी लगे सो यू कैन ऑल्सो बाय दोज प्रोडक्ट्स, सो इसलिए मैं ज़रूर आपके साथ उसे शेयर करती हूँ। और आज भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि ये जो परचेज थी इसके बारे में मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं इसको खरीदूँ, लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक झिझक रहती थी कि पता नहीं कैसे होंगे ये प्रोडक्ट्स, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीजनेबल अमाउंट पे थे, बट लेट्स सी कि वो प्रोडक्ट्स है कैसे। सो आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर मोर मेकअप ब्रशेज, मेरे पास है ऑलरेडी मेकअप ब्रशेज, लेकिन कुछ बिकॉज आई एम अ ब्यूटी ब्लॉगर तो मुझे कुछ कम पड़ जाते थे मेकअप ब्रशेज, कई बार वो मेकअप ब्रशेज क्लीन नहीं होते तो मुझे फिर मैं मेकअप वीडियो नहीं बना पाती थी, तो थोड़ा सा दिक्कत पड़ती थी मुझे, तो मुझे लगा कुछ और मेकअप ब्रशेज की मुझे ज़रूरत है। आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर न्यू मेकअप ब्रशेज और अमेजोन पर मैं गई, एक्चुअली बाकी मेकअप ब्रशेज जो थे वो सिंगल सिंगल मिल रहे थे, मुझे थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे थे, सो मुझे लगा कोई ना कोई रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल जाए, सो आई गॉट दिस होल बंडल ऑफ मेकअप ब्रशेज, और आप मानेंगे इसका प्राइस कितना है, इट इज़ जस्ट फॉर 399 रुपीज, मतलब 400 रुपये से भी कम में, और मुझे मेकअप ब्रशेज मिल रहे हैं 10 मेकअप ब्रशेज, आई लाइक व्हाट, इतने सारे मेकअप ब्रशेज भी मिल सकते हैं, बट हाँ अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे आपको सस्ते मेकअप ब्रशेज मिल रहे हैं, लेकिन उसमें जो उसका जो टेक्सचर है, मैं जब आपको इन मेकअप ब्रशेज को दिखाऊंगी एक एक करके तो मैं आपको बताऊंगी कि टेक्सचर कैसा होना चाहिए, बाकी सबके जो मेकअप ब्रशेज हैं वो फ्लैट मुझे दिख रहे थे, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, ब्लेंडिंग में बहुत मुश्किल पड़ते हैं, बट इसका जो मुझे टेक्सचर दिखाई दिया मेकअप ब्रशेज का, जो उसकी शेप थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड दैट्स वाई, और ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में थे, आई थिंक दिस दे वर कॉस्ट अराउंड 800 रुपीज के थे, मे बी लाइक दैट, और 40% या 50% डिस्काउंट उन्होंने लगा रखा था, सो आई गॉट इट फॉर 399 रुपीज, विच इज़ अ वेरी गुड परचेज। सो अभी देखते हैं ये मेकअप ब्रशेज हैं क्या, अगर पैकेजिंग की बात करूँ तो मुझे ये सिंपल अमेजोन के बॉक्स में मिले हैं, और ये सिर्फ एक पॉलिथिन में है, बट अच्छी बात ये है कि गाइस एक एक मेकअप ब्रश जो है वो इंडिविजुअली पैकिंग में मुझे मिला हुआ है, सो दैट इज़ सो नाइस, हाइजीनिक मुझे लगा बहुत ज़्यादा अच्छा, बट इनकी पैकिंग से थोड़ा सा क्या हुआ है कि मेकअप ब्रशेज थोड़े से आप देख सकते थोड़ा सा टेढ़े टेढ़े हो गए हैं, बट इट डजंट मैटर, हम इसे निकालेंगे तो आई थिंक दैट विल बी फाइन। चलिए एक एक करके सारे ब्रशेज को हम देखते हैं, इसमें मुझे 5 जो है वो, इसमें मुझे 5 जो मिले हैं वो फेस ब्रशेज मिले हैं, और बाकी के ये जो 5 हैं ये है आई मेकअप ब्रश के लिए, सो मतलब अगर आपको आप मतलब अगर आप बिगनर हैं मेकअप ब्रशेज यूज़ करना चाहते हैं गाइस गो फॉर इट, और ये जेनरिक कंपनी के हैं, मुझे उसमें बहुत सारी कंपनीज के मिले, मुझे जेनरिक के बेस्ट लगे, सो आई बॉट इट। सो इन मेकअप ब्रशेज को ज़रा देखते हैं ये है कैसे, एक एक करके खोलती हूँ। सो गाइज इस मेकअप ब्रश में लिखा हुआ नहीं है कि ये किस पर्पस के लिए होता है, बट कई मेकअप ब्रशेज में लिखा होता है, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग इशू, बिकॉज मैं जो मेकअप ब्रश मुझे जिस फॉर्म में अच्छा लगता है, मुझे हाइलाइटिंग के लिए अच्छा लगता है, कॉन्टोरिंग के लिए, वो मैं अपने कंफर्ट लेवल पे देख सकती हूँ, तो डजंट मैटर टू मी कि उसमें कुछ लिखा है कि नहीं लिखा। सो सबसे पहले तो मुझे ये दो ट्विंस टाइप लगे, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं इसके टेक्स्चर की, गाइस आप देख सकते हैं सुपर सॉफ्ट टेक्स्चर है, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी इतना सॉफ्ट इसका टेक्स्चर होगा, दैट्स वाई आपको मेरे फेस पे ना एक्साइटमेंट भी दिख रहा होगा, क्योंकि जब मैंने इसे खोल के देखा तो मैं बहुत खुश थी, ये बहुत ही फाइन टेक्स्चर में है, एकदम ग्लाइड हो रहा है, और एकदम इसके जो आप देख सकते हैं जो ये इसकी बनावट है एकदम पास है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है किसी भी क्या आपका पाउडर हो क्या आपका फाउंडेशन हो उसको स्प्रेड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें जो ये वाला ब्रश है ये मुझे आई थिंक दिस इज़ अ फाउंडेशन ब्रश, इससे आपको अगर फाउंडेशन लगाना हो सो आप इससे आराम से लगा सकते हैं। गाइज अगर आप चाहते हैं मेकअप ब्रश का यूज़ करके मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल बनाऊँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी इन ब्रशेज का यूज़ करके मेकअप ट्यूटोरियल बनाने में।
अब जो नेक्स्ट ब्रश है वो ये वाला ब्रश है, ये थोड़ा सा ऊपर से फ्लैट है, सो मैं आपको बता सकती हूँ मैं इनका यूज़ कैसे करने वाली हूँ, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये फ्लैट वाला, ये जो हम ऐसे स्प्रेड करते हैं ना, इसको डैबिंग मोशन में, जो स्टिपिंग ब्रश होता है, ये स्टिपिंग ब्रश होता है, तो ये डैबिंग मोशन में उसको अच्छे से फाउंडेशन जो आपने पहले वाले ब्रश से लगाया उसको स्प्रेड करने के काम में ये बहुत अच्छे से आता है। सो दिस यू कैन यूज़ दिस फॉर दैट पर्पस। अब ये थर्ड वाला मुझे एकदम नॉर्मल सा शेप का है, ये पाउडर ब्रश की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है, लूज पाउडर लगाना है, ब्लश लगाना है उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो दो ब्रशेज मुझे दिखे, इनमें से एक ब्रश थोड़ा फ्लैट और थोड़ा सा टेढ़ा है, इंक्लाइन फॉर्म में है, ये भी इंक्लाइन फॉर्म में है, सो यू कैन यूज इट फॉर योर कॉन्टोरिंग, कॉन्टोरिंग में ये बहुत अच्छा रहता है, सो इनको यूज कर सकते हैं कॉन्टोरिंग में या किसी और काम में भी। इतने सारे ब्रशेज है यार, मतलब किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी। अब बात करते हैं हमारे आई ब्रशेज की। सो आई ब्रशेज में भी मुझे ये एक फ्लैट ऊपर से इनका टॉप है, ये वाला ब्रश दिख रहा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो जैसे हम सबसे पहले लगाते हैं ना पूरी आईज़ में, जब हम आई बेस लगाते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कंसीलर लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ अगर कंसीलर लगाते हैं, और उसके बाद ये हाईलाइट में भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है आप कैसे यूज़ करें। ये जो एक छोटा सा मुझे ब्रश दिख रहा है और इसका जो ऊपर का पोर्शन है ये पॉइंटेड है, सो आई विल यूज़ इट फॉर माई क्रीज एरिया। ऐसे क्रीज एरिया में जब मैं अपना वो लगाती हूँ, जो क्रीज होती है ना यहाँ पर, जब मैं आई शेडो लगाऊँ तो मैं इसको यूज़ जरूर करूँगी। उसके बाद ये वाला जो ब्रश है ये बिल्कुल गोल सा ब्रश है और बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा रहेगा ब्लेंडिंग करने में, आईज़ को ब्लेंड करने में बहुत अच्छा ये ब्रश रहता है। और उसके बाद ये वाला भी ब्रश है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डायगनल फॉर्म में है, और नेक्स्ट है ये वाला ब्रश, सो यू कैन यूज़ इट एज यू लाइक टू। मैं इसको एज अ हाईलाइटर लगाने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, या ये नोज़ कॉन्टोरिंग में भी मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ, सो ये बहुत अच्छे ब्रशेज मुझे लगे। सो दीज आर माई ब्रशेज, और गाइज इससे सस्ते ब्रशेज आई डोंट थिंक आपको मिलेंगे, सो इफ़ यू प्लानिंग टू बाय ब्रशेज फॉर डूइंग योर मेकअप, गो फॉर जेनरिक ब्रशेज। अमेजोन पे लिंक जो है वो नीचे मैं दे दूंगी, आप उसे आराम से खरीद लेना। सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो ब्रशेज हैं उनकी शेप बहुत अच्छी है, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई ये राउंड शेप का है, कोई ऊपर से फ्लैट शेप का है, कॉन्टोरिंग के लिए इंक्लाइन ब्रश दे रखा है। ऐसी चीज़ें मुझे और ब्रशेज में इतने प्राइस में नहीं दिखी। गाइस मैं आपको बताऊंगी, अगर आप ब्रशेज लेना चाहें ड्रग स्टोर के ही ब्रशेज, अगर आप लेंगे कलर बार है, पैक है, इनके ही ब्रशेज, आपको एक ब्रश 500 रुपये से ज़्यादा का मिलेगा आराम से। और अगर आप पूरा सेट बनाना चाहते हैं तो इतना ही महंगा पड़ेगा, और ये हमें 395-399 रुपीज़ में हमें 10 ब्रशेज मिल रहे हैं, एंड दीज ब्रशेज आर क्वाइट गुड। सबसे ज़्यादा यार क्रिएटिविटी आपके अंदर कितनी है मेकअप करने की उसको मैटर करता है, सो आई फील दैट दीज ब्रशेज आर रियली वेरी गुड, और मैं फ्यूचर में ज़रूर इनका यूज़ करूँगी। गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ एक थम्स अप तो ज़रूर दे दे मुझे, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। So guys, if you like to watch these mini reviews about my mini purchases, so नीचे comment जरूर करें, मुझे बहुत खुशी होगी ये वीडियो बनाने में। तब तक guys मुस्कुराते रहो, chill out रहो, खुश रहो, हमसे जुड़े रहो, take care, bye bye.